एग्जीक्यूटिव मशीन है, एग्जीक्यूटिव SX 9 kg का मशीन है, ठीक है। 9 kg बोले तो एट द टाइम इसके अंदर आप जो है 16 कपड़े डाल सकते हैं, 16-17 कपड़े भी आपके आ जाएंगे। ये डिटर्जेंट बॉक्स है, ठीक है, ये ऐसा लगा रहेंगे। फर्स्ट चैम्बर जाते हैं, यहाँ पे आपको लिक्विड डालना है, ठीक है। सेकंड जो सेंटर वाला चैम्बर है, इसके अंदर नील, सॉफ्टनर, डेटॉल, वाइनिश, कंफर्ट वगैरह आप डाल सकते हैं। ये प्री वॉश है, प्री वॉश में इधर कुछ नहीं भी डाले तो चलेगा, या तो फिर थोड़ा सा लिक्विड डालना पड़ता जब अपन प्री वॉश करते, तो प्री वॉश का ऑप्शन उसमें है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट जो रहेगा क्या रहेगा, सेकंड नील, सॉफ्टनर, डेटॉल, वेनिस, कंफर्ट, और थर्ड अपना प्री वॉश है, इधर कुछ नहीं भी डाले तो चलता, और प्री वॉश ले करें तो जब थोड़ा सा लिक्विड भी डालेंगे तो चल, ठीक है। अभी इसके अंदर देखो बहुत सारे बटन्स दिए हुए, इतना सारा यूज नहीं भी किए तो चलेगा। इसमें कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपके कंटिन्यू रनिंग में रहेंगे, और कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो आप यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो जो कंटिन्यू रनिंग में वो भी बताता हूँ, जो यूज़ में नहीं है वो भी हम आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी इसमें देखो स्टीम वाला ऑप्शन है, तो मशीन डिजिटल है तो स्टीम दिया है इसमें। स्टीम बोले तो किसी भी चीज़ में से बैक्टीरिया निकालना, उसके लिए अपन स्टीम का यूज़ करते हैं। कोरोना के बाद से पूरे मशीन स्टीम आना चालू हो गया, ठीक है। तो अभी इसमें देखो, इसमें मिक्स सॉल्ट है और मिक्स सॉल्ट प्लस है, दोनों प्रोग्राम एक ही है, और उसके बाजू देखो पांच ही प्रोग्राम पे आपको स्टीम का निशान दिख रहा है। तो ये जो पांचों भी प्रोग्राम है वहाँ पे स्टीम लगेगा, उसके बाद जितने सब प्रोग्राम है उसमें स्टीम नहीं लगेगा, ठीक है। तो स्टीम एक्टिवेट कैसे करना है वो आपको मैं यहाँ से बताता हूँ, इधर से एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी फर्स्ट आप करेगा मिक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट बोले तो डेली के कपड़े, ठीक है, मिक्स सॉल्ट प्लस डेली के कपड़े, लेकिन ज़्यादा गंदे। तो ज़्यादा गंदे में अपन ज़्यादातर धोते ही नहीं है, मिक्स सॉल्ट में डेली के कपड़ों में सब हो जाता है। एक घंटे के आसपास टाइमिंग हो जाएगा, वो आपको कैसा होगा मैं आपको यहाँ बता दूँगा, एक घंटे के आसपास में ही, और कम हो सकता है वो टाइमिंग, ठीक है, वो आपको मैं बता दूँगा। मिक्स सॉल्ट प्लस बोले तो ज़्यादा गंदे, मिक्स बोले तो पॉलिस्टर, जीन्स वगैरह सब उसमें अंदर आ जाएंगे, जो डेली के कपड़े रहेंगे आपके। कॉटन नॉर्मल, ठीक है, कॉटन नॉर्मल में आपके कॉटन के कपड़े चलेंगे, ठीक है। बेबी एंटी बैक्टीरिया या एंटी एलर्जर में दवा खाने वाले कपड़े, या किसी को एलर्जी है उनके कपड़े, या किसी की तबीयत खराब रहती है उनके कपड़े इसमें डाल के धो सकते हैं आप। बस अब यहाँ पे नहीं भी धोए तो चलेगा, यहाँ पे मिक्स में भी आपने स्टीम एक्टिवेट करे थे तो काम सेम ही करेगा, ठीक है। इतना फर्क है, इसमें ज़्यादा देर तक धोएगा, 2 घंटा कुछ धोएगा, इसमें 1 घंटे के अंदर धो लेगा। तो जींस अलग डालना पड़ेगा, सादे कपड़े अलग डालना पड़ेगा। जींस जिसका कलर नहीं निकलता वो डाल सकते साथ में, और अगर कलर निकलेगा तो वो तो मशीन को पता नहीं, कलर निकलेगा तो सब लग जाएगा एक दूसरे को। कलर नहीं निकलता है तो वो कपड़े साथ में आप डाल सकते। जब कलर पेंट करे वो डालना नहीं, कलर जिसका निकलता वो नहीं डालना। कलर करते ना पेंट को, निकलना नहीं चाहिए ना बाहर का। अगर कलर किया आपने तो छोड़ता नहीं है, कुछ कलर छोड़ता है कुछ नहीं छोड़ता है, तो जो कलर छोड़ रहा है वो नहीं डालना है, वो अलग से करने का, वो छोटा प्रोग्राम है ये एक्सप्रेस, उसमें डाल देने का उसको, 15 मिनट में हो जाता हो, ठीक है। बेबी वेयर बच्चों के कपड़े, तो बेबी वेयर में अगर पूरे बच्चों के कपड़े तो ही डालने हैं, वैसे अदरवाइज मिक्स में सब आ जाता है, बच्चों के कपड़े आ जाएंगे। ये है कॉटन इको प्लस, ऊपर कॉटन नॉर्मल देखे आपने, ये कॉटन इको प्लस है। इको प्लस में क्या रहेगा, कॉटन ही का कपड़ा रहेगा लेकिन ज़्यादा गंदा रहेगा, और इको बोले तो एनर्जी सेवर, टाइम ज़्यादा लेगा लेकिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा, ठीक है, कि तो रुक रुक के चलेगा इसके अंदर, इसको एनर्जी सेवर बोलते हैं या इको, ठीक है, और ज़्यादा देर तक चलेगा, ज़्यादा गंदे कपड़े इसमें आप डाल सकते हैं। क्रेडल वॉश, अब ये एक प्रोग्राम में जैसा अपने पास यूज़ में आ सकता है, नाजुक कपड़े जो रहते हैं उनके लिए, पहला ये आएगा यूज़ में, दूसरा ये आएगा, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है यूज़ करना है नहीं करना, ठीक है। क्रेडल वॉश नाजुक कपड़े, सिल्क वाले वगैरह कपड़े यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उधर से घूमने के बाद इधर आ गया, ठीक है, ये आपका होगा रिंस प्लस स्पिन, ये किसी कपड़े में से आपको धूल निकालना है उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, खाली आपको पानी में से डाल के निकालना है वो कपड़ा, यहाँ डाल सकते, नवा कपड़ा अपन मार्केट से लेके आते हैं वो भी नवा कपड़ा धो के ले सकते, ठीक है। उसके बाद अपन दिवाली दशहरा वगैरह में अपन जो अपने रखे हुए जो कपड़े रहते जो वो अपने को खाली धूल निकालना है, तो कहाँ डालेंगे, रिंस प्लस स्पिन पे। बीच में यहाँ सेंटर में मैंने आपको बोला सेंट वगैरह आप डाल सकते हैं, जैसा कॉम्फर्ट हो गया, सेंट हो गया, नील हो गया, तो भी डालना डाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वो सेंटर वाले नंबर में फूल का निशान बना है, इसका मतलब वहाँ पे आप जो है कंफर्ट वगैरह डाल सकते हो। उसी के ऊपर में स्पिन है, बाहर कपड़े डाले हुए थे, बारिश आ गई कपड़े भीग गए, आपको सुखाना, खाली सुखाना है, खाली सुखाना है,
इसमें क्या करेगा, खंगाल के सुखाएगा, इसके अंदर खाली सुखाएगा, गीला कपड़ा होना चाहिए, सूखा रहेगा तो कपड़ा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो गीला कपड़ा इतना होना चाहिए कि कपड़े में से पानी निथरना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे हम पिड़के डाल रहे हैं तो फिर मशीन वहां नहीं रहेगी, मशीन इधर चल जाएंगी या उधर से उधर चल जाएंगे, क्यों, तो उसको लोड आप सही नहीं डालोगे तो मशीन वाइब्रेट करेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा टर्फ क्लीन, टर्फ क्लीन में मशीन को साफ करना है, जो मैंने ये पॉम्प बताया आपको, ये हर 3 महीने में 4 महीने में एक बार डालने का, बोर का पानी अपना है, बोर का पानी अपने पास बहुत हार्ड है, तो ये आपको डालते रहने का, ये डायरेक्ट ड्रम में डाल देने का, ठीक है। 200, ये वन टाइम यूज है, ये हर 4 महीने में तो एक बार तो भी डालना है, साल में 3 बार कम से कम करना ही है, ठीक है। डायरेक्ट ड्रम में फाड़ के डाल देने का, बगैर कपड़ों के, कपड़े वगैरह कुछ नहीं डालना, अंदर जाएगा क्लीनिंग करके ले लेगा, क्लीनिंग कैसा करने के बाद में फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा वो सब, अपने आप चालू करने का मशीन, बस मशीन स्टार्ट करने का काम है, मशीन खुद ब खुद कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको मशीन स्टार्ट करने का, मशीन स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उलन सर्दी वाले कपड़े, ठीक है, ये एक यूज में आ सकता, साल में 1-2 बार, साल में 1-2 बार ही आएगा लेकिन आ सकता, कि तो उलन दिया है, ठीक है। इसमें ब्लैंकेट रख बड़ा डालना नहीं उलन का, ठीक है, बाकी सब चल जाए। उलन का इस वास्ते नहीं डालना कि पानी एग्जॉस्ट करके वो ड्रम को वन साइड कर देगा, और उसकी स्पेस भी बहुत बढ़िया आती है, ये ड्रम में बैठेगा नहीं। ये है बल्की बेडिंग, बेडशीट वगैरह पतली जो अपनी कॉटन वगैरह की आती है, वो बेडशीट यहाँ डाल सकते हैं आप। उसके बाद रहेगा यहाँ पे सिंथेटिक डेली, साड़ी वगैरह, साड़ी वगैरह यहाँ पे आ जाएगा मिक्स में, ये दिया अलग से यूज़ करना है तो कर सकते हैं। यह है एक्सप्रेस वॉश, एक्सप्रेस वॉश में 30 मिनट और 50 मिनट दोनों भी कर सकते हैं आप, 15 मिनट और, ठीक है, यहाँ से करना है आपको 15 मिनट। ये मिक्स में ज़्यादा चलता समझो सब, मिक्स में सबसे 100% जा पूरा चलेगा। अभी देखो यहाँ पे कुछ बटन और दिए हुए हैं, इसके बारे में बताता आपको मैं, ये तो आपने देख लिया कौन से प्रोग्राम का क्या मतलब है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये बटन दिया है स्पीड का, स्पिन स्पीड का, टेम्परेचर ऑप्शन और सिलेक्ट, और ये तो स्टार्ट है, कोई भी प्रोग्राम चूज करने के बाद स्टार्ट किए सिवा मशीन चालू ही नहीं होता, ठीक है। और ये पूरा टच है, टच किए तो चालू होता सभी, ठीक है। अभी इसको कैसा देखना है आपने, अभी अपन ने कॉटन लिया है, कॉटन में यहाँ पे देखो आपको सब चीज़ें अवेलेबल दिख रही है। पहला दिख रहा है नीचे से आपको ये बटन स्पीड आरपीएम का, स्पीड आरपीएम बोले तो मशीन खुद ब खुद डिसाइड करता है कि मशीन को कितने पार्ट घूमना है। 1400 आरपीएम का मशीन है, 1400 आरपीएम बोले तो आपका 1 घंटे में 40 किलोमीटर तक रन ले सकता है मशीन, ठीक है। तो 1400 आरपीएम का मशीन है, तो 1400 के बजाय 1000-1200 वो खुद ब खुद सिलेक्ट करेगा, अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो वो हर प्रोग्राम के हिसाब से उसका हर मिनिमम उसका डिसाइड है। करना है आप बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कपड़ा सुकड़ जाएगा, उससे बेटर है कि जितना ले रहा है उतना देने देना है। उसके बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी उन्हें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 40 डिग्री सिलेक्ट किया है, तो ये कपड़े के लिए सफिशियंट है 40 डिग्री, तो इसके ऊपर आगे पीछे नहीं भी किए तो चलेगा, 60 डिग्री तक जाने का, 95 डिग्री पर नहीं जाने का, 95 डिग्री बोले तो कपड़ा सुकड़ने लगेगा, बहुत ज़्यादा गर्म होता है पानी, तो 40 से 30, 40 और 60 ये सेफ है। तो मेरा हिसाब से कि 40 पे ही सेफ है, 60 से भी ज़्यादा 40 पे सेफ रहेगा कपड़ा, और अच्छी तरीके से बैक्टीरिया वगैरह निकल जाएंगे, ठीक है। इसमें कोल्ड भी कर सकते हैं, यही बटन से आपको चेंज करते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है। जो स्थिर हो गया उसका मतलब वो आपका लग गया है, जैसा अच्छा 40 स्थिर हो गया इसको 40 आपका लगा है, ठीक है। अभी नीचे से ऑप्शन है प्री वॉश, जो मैंने आपको यहाँ बताया हूँ, एक तरफ यहाँ पे थोड़ा लिक्विड डालना है, अगर आपको धूल वगैरह निकालना है कपड़े में से तो क्या आएगा, पहला पानी आएगा, सिर्फ पानी से खंगालेगा, उसके बाद वॉश करेगा, ये धूल वाले कपड़ों के लिए, ठीक है। तो करना कैसा है, यहाँ पे आपने टच किया, ठीक है, ये क्या हो गया, ब्लिंक कर रहा है, इसको आपने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। सिलेक्ट करने पर क्या हो गया, वो स्थिर हो गया, अब यहाँ डॉट भी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया आपका। उसके ऊपर में क्या है आपका, सोख है, कपड़ों को भिगो के रखना है आपको, जैसा बार बकेट में भिगो के रहते हैं उस तरह। उसके बाद क्या, एक्स्ट्रा रिंस है, एक पानी ज़्यादा लेगा खंगालने के लिए, जैसा ऑलरेडी 2 रिंस उसमें सेट है, अगर आप एक बढ़ाओगे तो पानी वेस्ट होगा, उससे बेटर है कि उसको लेने देना है, और करना है तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा रिंस में कर सकते हैं, रिंस बोले तो सिर्फ खंगालना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है स्टीम, जो मैंने आपको स्टीम बताया, ये प्रोग्राम में ही एक्टिवेट होगा 5, वो कहाँ से होगा, यहाँ से,
स्टीम से, वो करना पड़ता है, वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो इसलिए एक्टिवेट नहीं किया हुआ है, ज़रूरत है तो ही कीजिए। डेली प्रोग्राम में ज़रूरत है कि अपने को, अब मिक्स में आप लगाएंगे डेली डेली तो कैसा होगा, बिल खर्चा बढ़ जाएगा ना। ज़रूरत है तो लगाने का, तो उसने ऑप्शनेबल दिया है, उससे क्या होगा टाइमिंग ज़्यादा पड़ेगा, कम से कम 2 घंटे का टाइमिंग लेगा अगर मिक्स में लगाओगे। अगर कॉटन में लगाएंगे तो 2.5 से 3 घंटे का टाइमिंग लेगा, तो क्या होगा अपना इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बढ़ेगा। तो उससे बेटर क्या है, जब ज़रूरत है तभी आपने लगाना है। अब यहाँ हो गया आपका स्टीम, अब ऊपर आया सबसे सही ऑप्शन आपके लिए टाइम सेवर। ये टाइम सेवर है, इसमें क्या होगा टाइमिंग को माइनस करेगा। कितना हो गया 1 घंटा 27 मिनट, कितना आ रहा था वहाँ पे 2 घंटा 40 मिनट, यानी कि कितना कम किया, बाय डिफॉल्ट 1 घंटा कम किया। तो सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, यहाँ 1 घंटा बता रहा है ना, 1 घंटा 9 मिनट बता रहा है। अभी मैं इसको ऑप्शनेबल में जाता हूँ, टाइम सेवर करता हूँ, कितना दे दिया 55 मिनट्स, कितना कम हुआ 10 से 15 मिनट आपका डाउन हो गया। इससे क्या होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बच जाएगा, ठीक है। अब उसके ऊपर है डेली टाइम स्टार्ट, मेट्रो सिटी वाला ऑप्शन है, अपने पास यूज़ में नहीं आता। जैसे आप घर पे कोई रहता ही नहीं, सब नौकरी पे, तो मशीन अगर आपका नल आता है 5 बजे के टाइम, आपको टाइम लगा के जाना पड़ेगा, यहाँ से टाइम लगा देने का 4 घंटे का 5 घंटे का जो भी रहेगा, क्योंकि अपना सेम अलार्म की जैसा शाम में लगाए सुबह बजेगा उस तरह से, ठीक है। जब मैंने 3 घंटे का टाइमिंग लगा दिया, अब 3 घंटे के बाद मेरे को मशीन चालू करना है, उसको स्टार्ट करके छोड़ देने का। स्टार्ट करने के बाद में कब चालू होगा, या 3 घंटे के बाद चालू होगा, ये सेम ऐसा ऑप्शन है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अभी इसका डायरेक्ट स्टार्ट आप कर सकते हैं, इससे ये स्टार्ट बटन है, टच किए तो मशीन चालू हो जाएगा, टच किए तो मशीन बन जाएगा, ठीक है। ये हल्का टच है सब, हल्के से टच कर लीजिए इसको, ठीक है। कपड़े वगैरह आए तो टच सकते हैं।